दाएंगल रे सगला दर्शका ने दीपाली माथुरी राम राम राजस्थान री खबर माए थाको स्वागत है। नजर डाल से ई वक्तरी मुख्य खबर पर। कोरोना रे बढ़ता मामला ने देख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित, ट्वीट कर बोलिया कि जो लापरवाह वाने रोको वाने टोको। पत्रकारा सु मुखातिब होया ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, बोलिया प्रशासन कर रियो छे चोखो काम, कमिया ने जल्द कियो जासी दूर। एनएचएम करी सीएचओ भर्ती, 2020 रे 7353 चयनिता री सूची जारी, कोरोना नियंत्रण रताई जिला माए कियो जासी नियुक्त। महाराणा प्रताप री जयंती रे अवसर पर प्रताप फाउंडेशन री ओर सु हुयो कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता वर्चुअली हुआ शामिल। प्रदेश माए लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण के मामला ने लेर सूबे रा मुखिया अशोक गहलोत बेहद चिंतित छे। संक्रमण री चेन ने तोड़ बारे ताई सीएम ने 10 मई सु 24 मई तक प्रदेश माए संपूर्ण लॉकडाउन लगायो छे। वटे ही आज एक बार फिर ट्वीट रे माध्यम सु आम जन सु अपील करियो छे। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लोगा सु कोरोना प्रोटोकॉल री पालना करबा की अपील करी छे। सीएम गहलोत ट्वीट माए लिखियो, कोरोना री दूसरी लहर घनी घातक छे, ई बार ये गांव तक भी पहुंच गई छे। युवा, बच्चा और गर्भवती महिलाएं भी ईसु संक्रमित हो रिया छे। लॉकडाउन चल रहे छे, कोरोना प्रोटोकॉल री पालना करे, घर माए ही रहे। दूसरा ने भी यो सलाह दे, जदे ही संक्रमण री चेन टूट सी, जो लापरवाह छे वाने रोके वाने टोके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लंबा समय सु अटकी सीएचओ भर्ती 2020 रे चयनिता री सूची जारी कर दी छे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा 7353 चयनिता री सूची जारी करी छे। एनएचएम ने संविदा सीएचओ भर्ती 2020 के ताई 7810 पदा री विज्ञप्ति जारी करी छी, पण कुछ अन्य श्रेणी के 457 पदा पर नियुक्ति कोनी हो पाई। चिकित्सा मंत्री बोलिया के वर्तमान माए कोविड महामारी को प्रकोप ग्रामीण क्षेत्र माए भी फैल रियो छे। इके माए 7353 चयनित सीएचओ ने कोरोना नियंत्रण के ताई गृह जिला या समीपवर्ती जिला माए नियुक्त किया जासी। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला आज पत्रकारा सु मुखातिब होया, वा बोलिया के प्रशासन चोखो काम कर रियो छे और अठे बेड वेंटिलेटर री कोई दिक्कत कोनी छे और जो कमिया छे वाने दूर कियो जासी। निजी अस्पताला माए मौत रा मामला पर कल्ला बोलिया के यो मामला माए जांच चाल रही छे। वा बोलिया के सरकार जनता री भलाई रहताई कड़ाई कर रही छे। राज्य सरकार 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रो ऑर्डर दियो छे। प्रदेशवासिया के ऑक्सीजन री कमी भी जल्द ही दूर होसी। महाराणा प्रताप जयंती रे अवसर पर प्रताप फाउंडेशन री ओर सु वर्चुअल कार्यक्रम रो आयोजन हुयो। कार्यक्रम माए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोलिया के आज का दौर माए राजपूत समाज अपने अस्तित्व री लड़ाई लड़ रियो छे, या हालाता माए महाराणा प्रताप हम सभी के ताई प्रेरणा स्त्रोत हो सके छे। कार्यक्रम माए केंद्रीय मंत्री के अलावा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और जनता सेना संयोजक रणधीर सिंह भिंडर सहित कई गणमान्य लोग वर्चुअली जुड़िया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कोरोना रोगिया ने आयुष 64 दवाई रो वितरण शुरू करियो छे। यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम री शुरुआत करता हुआ संस्थान रे कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बतायो के आयुष मंत्रालय भारत सरकार री ओर सु हल्का लक्षण वाला होम आइसोलेट कोरोना रोगिया रे वैज्ञानिक अनुसंधान उपरांत प्रमाणित आयुर्वेदिक औषधि आयुष 64 को वितरण रो काम शुरू करियो छे। जयपुर माए लगभग 30 वितरण केंद्र सु औषधि वितरित की जासी। बूंदी के करवर कस्बा माए पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च निकालो छे। फ्लैग मार्च माए पुलिस प्रशासन कस्बा वासिया ने कोविड रे नियमा री पालना करबा री अपील करी छे। प्रशासन बोलिया के जरूरी काम होबा पर ही घर सु बारे निकले, नहीं तो घर पर ही सुरक्षित रहे। फ्लैग मार्च थाना अधिकारी ब्रजमोहन, पुलिस जाप्ता, सरपंच पति नीरज नागर, उप सरपंच अंतिम धादिच, पुलिस मित्र प्रवीण सुवालका, सीएलजी सदस्य लालचंद चंदेल, पदम कुमार जैन, संवाददाता राकेश नामा, कुलदीप गुजर मौजूद रहा। समझा रहे हैं, शेठ से कॉल करके उनको बता रहे हैं सारी बातें कस्बा में घूम कर, ताकि बीमारी में लोग लग सके। इसके लिए हम सरपंच साहब से भी निवेदन किया, सरपंच साहब भी हमारे साथ आए, चेंज सदस्य भी हमारे साथ है, सरपंच साहब भी साथ आए, इन्होंने मिल के हमने और ये मार्च किया है ताकि लोगों को समझ में बैठ सके और ये बीमारी लोग लग सके।
सीकर जिला रे रिंगस कस्बा माए खाटू मोड़ स्थित सीताराम गौशाला माए आज मातृ दिवस मनायो गयो छे। आज पार्षद अमित कुमावत मातृ दिवस और अपने माता पिता री वैवाहिक वर्षगांठ रे अवसर पर गाया री सेवा कर गौ सेवा रो संकल्प लियो। यो मौका पर अमित कुमावत बेजुवान पशु पक्षिया रे दाई दाना पानी री व्यवस्था कर आम जनसु वा की सेवा करबा री अपील करी छे। यो अवसर पर गौशाला संचालक मोहन सिंह शेखावत, पार्षद सांवरमल, ठेकेदार हंसराज कुमावत आदि मौजूद रिया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आज मदर्स डे और मेरे भगवान रूपी माता पिता की वैवाहिक वर्षगांठ पर श्री सीताराम गौशाला में गायों के लिए तरबूज एवं हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। साथ ही मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बेजुबान जानवरों के लिए आप भी हमेशा तत्पर रहे और इनकी सेवा करते रहे। नागौर रे डीडवाना माए आज बस और ट्रक री जोरदार टक्कर होगी। नागौर रे डीडवाना माए हुयो हादसो, बस और ट्रक माए हुई आमना सामना री टक्कर। हादसा माए 12 यात्री हुया घायल, घायला ने डीडवाना अस्पताल माए करायो भर्ती। हादसा रे बाद हाईवे पर लग्यो जाम, मामला री जांच माए जुटी पुलिस। राजस्थान री खबर माए फिलहाल इतनो ही। राम राम।